दो साल बाद बच्चे स्कूल गए जो फोर्थ क्लास में इतने से थे। हाँ सच्ची है, वो यहाँ आ गए मैडम के मैडम कहते हैं तुम तो बहुत लंबे हो गए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है इसलिए कि आज 27 अप्रैल है और आज मेरा पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। और इतने दिनों से हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मैं घर में शांति थी तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बने थे। आज मेरा पहला एग्ज़ाम है, मेरे को सेंटर हमको हमारे सेंटर पर जाना है तो मम्मी मेरे को छोड़ने जाएंगी, पापा अपने स्कूल जाएंगे, प्रेरित भी स्कूल जा रहा है, काफ़ी दूर सेंटर पड़ा है, प्रॉब्लम बस यही है, बट ठीक है एग्ज़ाम देना है। हो गए तुम तैयार? इसकी भी न्यू यूनिफॉर्म आ गई, हमारी यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है स्कूल की, मतलब वो पुरानी वाली भी है बट नई भी खरीद ली। जा रहा है अभी तो 7:05 हो रहे हैं, बस 7:05 भी नहीं हुए, तू तो 7:15 बजे निकलता था। नमस्ते मम्मी, देखो 7:05 हो रहे हैं ये अभी जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, ओके पास तो हुआ ना। ये कितनी जल्दी जल्दी स्कूल भागने लग गया है, जल्दी बड़ा हो गया बच्चा। दो साल बाद बच्चे स्कूल गए जो फोर्थ क्लास में इतने से थे। हाँ सच्ची है, वो यहाँ आ गए मैडम के फिर से मेरे की मैडम कहते हैं तुम तो बहुत लंबे हो गए। सच में हिंदी वाली मैम की हाइट इतनी छोटी है कि मैं उनके बराबर तक पढ़ा दूंगा, उनका सब मेरे सर से आता है। हाँ होता है, पहले तो छोटा था ना, पहले तो यहाँ आता था मैं कमर पर मैम की, बहुत छोटे थे पहले तो। दो साल बाद बच्चे देख रही है मैडम, जो कहते हैं अरे इतने बड़े तो बच्चा ही नहीं है। नहीं मैं आपके स्कूल का बच्चा हूँ मैडम, मैं बड़ा हो गया हूँ। पापा भी जा रहे हैं, रुक जा निकलिए पापा के साथ ही। पापा का टाइम लगेगा अभी, जस्ट मैं जाओ, तुम जाओ निकलो जाओ, पापा के जूते दवाई डाल दी। पता नहीं चलती वो तो इसमें क्या, पहले कड़वी वाली पीनी थी मैंने, वो अच्छी वाली मिला दी पहले। अच्छा मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो कोई सी एक मिला दी बस। सुबह का टाइम है, ऐसी बातें शिक्षा मित्रों को सुबह सुबह बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज नहीं है। अनुदेशकों और रसोइयों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में 2000 रुपये अनुदेशकों के बढ़ा दिए, अब उनका 7000 से 9000 हो गया। और रसोइयों को 500 रुपये बढ़ा दिए हैं, 500 रुपये बढ़ाने के बाद उनका मानदेय प्रतिमाह 1500 से 2000 रुपये हो गया है। 500 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए साल में एक बार। इसमें रसोइया अपनी साड़ी और जेंट्स रसोइया है तो वो अपने पैंट शर्ट खरीद सकेगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा, क्या कारण है, अगर ये सब आपको जानना है तो हमारा जो दूसरा चैनल है गोविंद गोपाल, उस पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर जाके भी मेरी इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए और लौट के मिलेंगे आपसे, देखते हैं कि दिन में और क्या क्या खबरें हमें मिलती हैं। मतलब कौन सा बच्चा स्कूल जाने के बाद घर आता है नाश्ते करने हैं? प्रेरित तुम्हें इतनी जल्दी थी स्कूल के कि तुम नाश्ता भूल गए? हम दूध आ रहा है, दूध पियो। तभी तो मैं कहूँगा 7 बजे कैसे फ्री हो गया, कुछ एक चीज़ रही है जिसने नहीं की है। तो अब 7:45 बज गए और हम जा रहे हैं नहाने, तैयार होंगे, टाइम लगेगा, फिर पहुँचने में भी टाइम लगेगा। मेरा 10:30 बजे से पेपर है, 10 बजे सेंटर पे पहुँचना है, हम 9:45 बजे पहुँच जाएंगे क्योंकि पहला दिन है तो क्लास व्लास ढूंढने में टाइम लगेगा। तो और मम्मी को भी जाना है तो मम्मी अपना पूरा सफाई वफाई करके नहा के फिर हम दोनों नाश्ता करके निकलते हैं, 9:15 बजे करीब निकल जाएंगे लास्ट। अब हमें पूरे रेडी जाने के लिए, बस अभी हम नाश्ता करते हैं, मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं, वो नाश्ता बनाने गई हैं, उनको पानी की बोतल लेके जानी है तो ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउ है और हमने इस पर इसका कवर छुटा दिया, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रेडी, हमारा छोटा सा बैग इसमें रखते हैं बोतल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना मास्क के तो जा नहीं सकते, हमने तो अंदर रख दिए थे बट अब पहनने पड़ेंगे दोबारा, मास्क भी मिल गया, गुड। फाइनली आप तैयार हो गए, गुड मॉर्निंग गाइस, दवाई खाओ चलते हैं, निकालो अब हेलमेट निकालो, ये ताला लग जाता है तो बड़ी किचकिच लगती है ये वाला ताला खोलने में, तो फोन के चक्कर में याद नहीं रही अगर पैसे निकालते ना। हाँ तो मामी से बात हो रही थी ना, बैठूं
10:30 भी नहीं बजे, अभी 10:20 हो रहे हैं और मैं सभ्यता को छोड़ के घर पे आ गई हूँ। फिलहाल चलते हैं धूप में घर में अंदर। मैं लेकर आई हूँ अपने लिए नाश्ते में कचौड़ी। सबसे पहले पियेंगे पानी और चलाएंगे कूलर। तो ये है मेरा नाश्ता, पता नहीं पूरा खा पाऊंगी नहीं खा पाऊंगी। दो कचौड़ी हैं, कोशिश करूंगी ख़त्म करने की क्योंकि पैसे खराब जाएंगे। प्रेरित तो आ गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा। गाना सुन नहीं है। आ गई। अरे बाहर की तरफ खोला है, गाना चल नहीं रहा है, बस हमने नेट में लगा रखा है। कैसा हुआ पेपर ये बताओ पहले। तो चेहरा कैसा लाल लाल सा हो रहा है। आ जाओ, आज तो लड़की इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ध्यान ही नहीं गया लाने वाले पे। मैंने वहाँ से डीपीएस के बाहर सबके पेरेंट्स आ चुके थे क्योंकि वो इतना दूर है। तो मैंने वहाँ पे प्रियंका के, ऋचा के, सबके सब कह रहे हैं अरे बेटा बैठ जा हमारे घर तक चल, हमारे घर तक चल। और ऋचा के तो मम्मी पापा दोनों आए और मोटरसाइकिल थी पतली वाली, तब भी आंटी कह रही बैठ जा बेटा बैठ जा। मैंने कहा आंटी जी आप तीनों जाइए, प्रियंका के अकेले पापा थे। प्रियंका ने पापा से कॉल करवाया पापा को, मैंने कहा पापा कितना टाइम लगेगा, पापा कह रहे 20-25 मिनट। कैसे टाइम के हिसाब से निकलते हो? फिर कह रहे 20-25 सेकंड। उसके बस में बात एक दो दोस्तों से मिली, एक मिनट हुआ होगा आगे, मतलब मजा आ गया यार डीपीएस। अरे डीपीएस को छोड़ पेपर बता। पेपर अच्छा ही हुआ, डीपीएस में बैठ के। बेटा आज की परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है तेरा रिजल्ट। अरे हर सब्जेक्ट में यही बात बोली जाएगी। तो दोस्तों हम तो घर आ चुके हैं, बेटी का पेपर भी बोर्ड एग्जाम जो था बहुत अच्छा हुआ है। इंग्लिश का पेपर था, आज पहला पेपर था, बता रही हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। और दोपहर में आराम कर रही हैं देखो कमरे में, पेपर करने के बाद कैसे सुकून की नींद, कूलर चला के जस्ट उसके आगे सो रही है। लेकिन मैडम को आज हमने एक काम दिया था और बहुत ही फेवरेट है वो सबका घर में, पहली बार इस सीजन का पहली बार मैंगो शेक है ना। बेटा पहली बार बना इस सीजन में, पहली बार मैंगो शेक बनाया मैडम ने, और ये सबका फेवरेट है। मेरा भी। सो रही है ना वो भी जग जाएगी, जो सो रही है उसको सोने दो, उसके बाद का मैं पी लूंगा। जगी पड़ी है, ओहो ये मैंगो शेक के लिए जग गई। देखो कितनी जल्दी मजा आ गया। कैसे लग रहा है पेपर दे गया इसको पी के? इसको पी के तो अभी है बाबा, 5 पेपर हो रहे हैं। मम्मी वाला, सब्जी वाला, कहाँ गया? मम्मी वाला, पूरी वाला, बाहर। दूध तो लाए नहीं आप? दूध लेने गया था मैं, अब टहलने गए थे ना, जूस पीने। जूस पीने 5 बजे कौन टहलता है। अच्छा अरे तो गाइस शाम को आज हम दूध लेने पैदल पैदल जाएंगे, बहुत दिनों बाद। गाड़ी से जाने का मन नहीं है क्योंकि शाम को कितना भी कर लो टहलने का वक्त बहुत कम मिलता है, खाना खा के बस थोड़ी देर टहल पाते। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दूध लेने जाऊँ तो एक लंबा रूट लग जाएगा, अच्छा रहेगा। मैडम सब्जी काट रही हैं गेट पर बैठ के, ठंड ले लिया है। यहाँ से देखती रहूँगी बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो मैं निकलूँ। अब लेके आयो आप दूध है ना, पैदल पैदल। अरे भाई भजन आराम से दवाई लेके आओ, बाहर की लाइट नहीं जल रही, जलेगी। ओके बाय। तो अभी रात के 9 बजने वाले हैं और मम्मी पापा गए हैं दवाई लेने, मतलब मम्मी के दर्द ज़्यादा हो रहा था कमर और कमर और पैर वगैरह में, तो पापा बोले दवाई ले आओ। और मम्मी हमारी मना करती हैं, उन्हें आर का सता दवाई लेने में, फिर पापा ऐसे हो जाते हैं। तो वही हो रहा था इतनी देर से, इतनी मतलब पापा ने बहुत चिल्लाया मम्मा को, अब जाके मम्मी दवाई लेने गई है। आ गए मिल गई दो, मिल गई दो।